तो मुझे एक्सेल वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर में नेस्टेड लूप के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ। तो हम जानना चाहते हैं कि नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर एक लूप चल रहा है तो उसमें और एक और लूप कैसे अंदर करेंगे ताकि हमारा काम जो है मतलब कि और ज्यादा हो जाए, वो अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे हम यहाँ पे ना चाहते कि 1 2 3 4 यहाँ पे सॉरी 4 3 4 5 तो, और फिर अगली जो 6 7 लो इस तरह से लेना चाहता हूँ, फिर अगेन अगली रो इस तरह से करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं माना कि कॉलम हर एक रो पे 5 कॉलम और 10 रो इस तरह से हम चलाना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मुरूर यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर यहाँ पे हम देते हैं प्रोग्राम की 4 यहाँ पे सॉरी मान लीजिए कि 4 आई इक्वल टू आई नहीं आई की जगह आर ले लेते हैं, आर इक्वल टू 1 2 क्या चलेगा 10। देखिए 10 रो चलाना है तो हमने आर को रो मान लिया और वापस हमने किया 4 C इक्वल टू मैंने किया 1 2 5, और 5 कॉलम चलाने हैं तो हमने कॉलम को 5 मान लिया। ठीक है जाएंगे रो जी, चलते हैं पहले कॉलम चलते हैं। हाँ नहीं बेसिकली है कि एक रो के अंदर में 5 चलाने हैं ना, नहीं सर, पहले रो चलाएंगे पहले कॉलम चलाएंगे। हाँ पहले रो चलाएंगे ना क्योंकि कॉलम तो रो के अंदर में है ना, इसलिए मतलब कि हमें इस तरह से चलना है ना सर, हमें इस तरह से चलना है। अगर हमें इस तरह से चलना होता, इस तरह से पहले इस तरह से चल रहा होता तो पहले कॉलम चला। समझ। यहाँ पे हम सेम लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि सेल्स आर कॉमा सी। अब याद होगा मैंने बताया था आपको कि जब भी हम रेंज लिखते हैं तो हम एक तो हम रेंज A1 B1 6 लिखते हैं या फिर सेल्स 1.1 1.2 करते हैं। यहाँ पे सेल्स सेम सेम इधर रखा हुआ है। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया, अब यहाँ पे मान लीजिए के कर देता हूँ ऊपर, मैंने कर देता हूँ के इक्वल टू K+1। अगर के आपको ठीक है, के अगर ऐसे भी ले सकते हो लेकिन सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है नहीं दे रहा है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिन के एज ए इंटीजर। इंटीजर डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्मॉल नंबर है तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो और फिर यहां पे कर देते हैं नेक्स्ट के, ये लग गया यहाँ पे, सर माफ कीजिए नेक्स्ट सी होगा क्या नहीं होगा, माफ कीजिएगा नेक्स्ट सी, अगर लूप सी से स्टार्ट है ना और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो गया, राइट? तो लूप एक लूप दूसरे लूप के अंदर में इस तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा होता है, तो डेटा में अगर सिंगल लूप में मान लो कि आप डॉट एंड कर लोगे कब, जब आपके पास मान लो कि आपके पास डेटा में कॉलम वाइज नहीं, आपको रो एंड कॉलम वाइज दोनों चलाना है। जैसे डेटा ये है कि मुझे हर एक डेटा को चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन 50 है, और चेक करने के बाद कलर करना है, सपोज दैट हो सकता है कुछ और भी करना लेकिन फिलहाल कलर करना। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि एक एक डेटा को इस तरीके से चेक करना चाहता हूं, फिर इस तरह से चेक करना चाहता हूं, समझे सर?
तो उस केस में भी हम इसी तरह का लूप इस्तेमाल करेंगे, जैसे लिखेंगे कि यहां पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट लूप टू मेक इट ओपन क्लोज, ठीक है, यहाँ पे K4 सेम R इक्वल टू चले 1 2, कितना रो है तो रो 14 है, तो 14 तक, और सेम हम करेंगे कि 4 C इक्वल टू चले 1 2, कितने कॉलम है तो ये हो गया आपका 8 कॉलम, तो 1 2 ठीक है, 1 2 8। फिर आगे होगा कि इफ सेल्स आर कॉमा सी डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन सेल्स R, C dot interior dot color equal to BB red, और यहां पे एंड, अब यहां पे नेक्स्ट C और यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है सर, ओके जी, तो डाउट इसमें नेक्स्ट रन कर देते हैं, यहां पे आते हैं उसमें डेवलपर में आर क्लोज लूप को रन कर देते हैं, ठीक है, इसमें आ गया सर, तो एक बार और आगे हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्वेश्चन है कि हमें इस तरह की आकृति बनानी है, और हमने डिसाइड किया कि रो हमारा 5 होगा, मतलब कि मैं लिखूंगा 4 I इक्वल टू 1 2 5, ठीक है, और यहां पे दूंगा कि 4 J इक्वल टू चले 1 2 I, ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमने देखा कि हमारे इसमें कि जितना हमारा रो है उतना ही मैक्सिमम कॉलम चला, कि दूसरा नंबर आई है तो कॉलम आई जो है जे जो है 2 बार ही चलेगा, तीसरा नंबर कॉलम है तो 3 बार चलेगा, तो यहां पे ऐसा हमने लिखा, और सेल्स हमने यहां पे गया और यहां पे आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू हम इन्वर्टेड कॉमा में स्टार दे देते हैं और नेक्स्ट जे और यहां पे नेक्स्ट आई। अब एक बार इसको हटाता हूं, अब इसको एक बार क्लिक कीजिए,
ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं इसी आकृति को मैं यहां से स्टार्ट करना, ए स्टार्ट नहीं करना चाहता एफ से। तो हम क्या सिंपल क्या करेंगे, हम कर देंगे 5 प्लस 5 प्लस जे, मतलब कि छठे नंबर रो से। मरीन जी समझ में आए? तो हमने कॉलम कॉलम में 5 जोड़ दिए, तो ये पहला छठे कॉलम में डालेगा, छठे कॉलम सातवें कॉलम में, छठे कॉलम सातवें कॉलम आठवें कॉलम में, तो 5 जुड़ जाएगा। आप मुझे एक और लाइन चलानी हो और इस तरह से चलाना, मतलब सेम ऐसा से इस तरह से गया है, ऐसे इस तरह से करना ताकि पिरामिड बन सके। तो मैं इसी लाइन को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे नीचे पेस्ट करता हूं। अब मैं यहां पर 6 माइनस जे कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, हो गया। जैकी जी सर सुना है कौन? समझ रहा हूँ सर। हाँ समझ जी समझ। ठीक है सुन आ गया। तो नेगेटिव डालेंगे तो मतलब वो उल्टा चलता है। हमने से 6 माइनस 1 हुआ कि फर्स्ट टाइम जब होगा तो फर्स्ट टाइम होगा हाँ, फर्स्ट टाइम क्या होगा 6 माइनस 1 मतलब कि 5वें कॉलम में रखेगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक नवीन जी हाँ जी सर करेक्ट। तो आप एक नोट कर लो एक काम कि इसको जैसे आपने सीधा किया ना ऐसा आपको उल्टा बनाना है, उल्टा ही समझे? समझिए समझिए। इसको जैसे इसका आय होता है ना परछाई नहीं होता इस तरह से बजाना चाहिए। इसके अंदर तो वो उसको काउंट करना पड़ेगा। अब से क्या करना है आप देख लो, मैं बताऊंगा ना अपना तरीका, बताओ अपने तरीके पे तो मतलब ऐसे कर लो। Thank you.
ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आप अगर एक सेल के लेटर से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। जैसे मैंने यहां लिख दिया सुजीत, मैं चाहता हूं कि हर लेटर को एक एक कॉलम या एक एक रो में, मान लीजिए कॉलम में अलग करना चाहता हूं, एक एक कॉलम में अलग करना चाहता हूं, तो कैसे करें? उसके लगाएंगे फॉर्मूला कि फो यहां पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट और लोग फोर बैकर ओपन क्लोज। यहां पे क्या मैंने कि पहले यहां करते हैं डिम आर एज ए, हम कर देते हैं स्ट्रिंग क्योंकि लेटर स्ट्रिंग होता है, और हम कर देते हैं आर इक्वल टू रेंज A1 dot value, फिर लूप लगाते हैं कि 4i equal to चले 1, 2 कहां तक लेन, जितना करेक्टर है, तो लेन फॉर्मूला से करेक्टर पता चलता है, तो मैंने करेक्टर लगा दिया, ठीक है। फिर करते हैं से यहां पे हाँ, सेल्स 1, i डॉट वैल्यू इक्वल टू मिड, मिड में हमने डाल दिया किसको, आर को, i, 1 और हो जाएगा हमारा नेक्स्ट i, और यहां पे हो जाएगा आप सुनिएगा कई वर्स रन कीजिए। ठीक है, अब लोगे कि करता क्या है? तो बेसिकली हमने मैनुअल एक्सेल में हमारे पास मिड का फॉर्मूला होता है, उसी को अप्लाई किया। तो मिड में टेक्स स्टार्ट नंबर कि आपका मिड कहां से स्टार्ट है, तो मैंने बोला मेरा मिड पहले नंबर से स्टार्ट है और एक करेक्टर लेना है, तो एस अलग कर देगा। दूसरा बार जैसे मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट नंबर जो है एक के जगह पे मैं 2 दे दूंगा और नंबर कैरेक्टर एक का एक ही रखूंगा, तो ये आपका यू आ जाएगा। ऐसे 2, 3, 4, 5 बढ़ाते जाओगे, हर एक लेटर को अलग अलग सेल में वो करते चला जाएगा। तो इसी मेथड पे मैंने इसका इस्तेमाल किया जो आपके सामने है। बताइए नवीन जी और जैकी जी, समझ में आया आपको? जी समझ में आ गया, पर अब नीचे के लिए तो डबल का लूप चलाना पड़ेगा ना, डबल लूप नीचे, नीचे इसमें तो नीचे कॉलम है, रो वाइज करना है तो लूप क्यों चलाएंगे? डबल हम यहाँ पे ए वन को इधर डाल देंगे, आई को इधर कर देंगे। ओके सर, कैसे आई को इधर, क्योंकि आई तो हमने ऊपर लाइन में डिफाइन कर दिया। बेसिकली नहीं समझे, हमें कॉलम वाइज चलना है तो आई कॉलम में है, रो फिक्स है कि पहला नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम, पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम, पहला नंबर रो तीसरा नंबर कॉलम, तो डेटा वर्टिकली चल रहा है। अगर हॉरिजॉन्टली अगर आप चलाओगे तो फिर क्या हो जाएगा कि पहला नंबर कॉलम, पहला नंबर रो, पहला नंबर कॉलम, दूसरा नंबर रो, A1 B1 C1 C1 नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है जैकी जी, विदाउट इसमें? यस सर, नहीं सर। ओके, तो आप जो है, आपको जो क्वेश्चन दिया है उस पर अमल कीजिए और करके दिखाइए। कल हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इफ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सुजीत जी? हाँ जी। हेलो सर, वो कल वाली फाइल एक बार ओपन करेंगे क्या? कल वाली फाइल? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी फाइल थी तो आपने हमें भेजी थी? ये फाइल का नाम है PR_data। ओके एक मिनट दीजिए, तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मिस्टर जैकी और मिस्टर नवीन, जैकी जी दुबई से थे और मिस्टर नवीन जो थे दिल्ली से थे,
उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लिया रिमोट शेयरिंग सिस्टम पे। गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर जिसे आप देख रहे हैं फ्लावर के निशान, इस गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने क्लासेस ली। अब ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गया है और मैं ड्राइव में चला जाएगा, ड्राइव की मदद से रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ VBA मैथ का प्रोग्रामिंग और एक्सेल को अच्छी तरीके से सीखने के लिए आप सीखना चाहते हो तो आप भी मेरी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटा होती है, सुबह 5 से लेकर रात को 12 बजे के बीच में आपको 1 घंटे का बैच लेना होता है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन क्लासेस होती कैसे है तो आप हमारी डेमो क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो डेमो क्लास लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाएं या फिर मुझे कॉल करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने ज्यादा व्यू बढ़ेंगे उतने ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा और भी मैं ऐसी वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।